हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं इलीटा मशीन। इलीटा मशीन को अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने लॉन्च करा है इंडिया में अभी करीब 2 महीने पहले, अक्टूबर 2023 में। इलीटा मशीन में एक स्पेशल तरह का चश्मा हटाने का लेजर ऑपरेशन करा जा सकता है जिसका नाम है सिल्क लेजर। इस लेजर की हेल्प से हम करीब 10 मिनट में पूरी लाइफ के लिए आपके चश्मे का नंबर हटा सकते हैं और चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस से पूरी लाइफ के लिए आज़ादी दिलवा सकते हैं। इस ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई फ्लैप नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। आज ऑपरेशन कराया, कल से आपकी नज़र साफ हो गई और परसों से आप अपने सारे रोज़मर्रा के काम भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, चश्मा हटाने के बारे में आपने कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी सुना होगा, जैसे लेसिक लेज़र नाम की एक टेक्नोलॉजी है, कॉन्ट्यूरा विजन नाम की एक टेक्नोलॉजी है। तो ये जो सिल्क टेक्नोलॉजी है, अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी से कैसे बेटर हो गई है? देखिए, ये जो भी पुरानी टेक्नोलॉजीज थी, लेसिक वगैरह, इन सब टेक्नोलॉजीज में जब हम काली पुतली पर लेज़र डालते थे तो इस ऑपरेशन में काली पुतली में एक फ्लैप बनाया जाता था। फ्लैप का मतलब है कि काली पुतली में एक 22 मिलीमीटर का बड़ा सा कट लगाया जाता था, एक परत को उठाया जाता था, लेज़र को डाला जाता था और उस परत को वापस रखा जाता था। तो इस फ्लैप को बनाने की वजह से पूरी लाइफ के लिए एक छोटा सा रिस्क रहता था। क्या रिस्क रहता था कि मान लीजिए कभी आपकी आंख में ज़ोर से चोट लग जाती है, हाथ लग जाता है, बुक्का लग जाता है, बॉल लग जाती है, बहुत ज़ोर से आंख को आप मल लेते हैं, तो ये जो हम पुराने ऑपरेशन लेसिक या कॉन्ट्यूरा में फ्लैप बनाते थे, अगर आंख में ज़ोर से चोट लग जाती है तो ये फ्लैप अपनी जगह से हिल जाता है, जिसकी वजह से नज़र पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और आपको हॉस्पिटल में जाके इसको ठीक कराना पड़ता है। तो सिल्क लेज़र का जो सबसे बड़ा एडवांटेज आया है वो ये है कि इस लेज़र में किसी भी तरह का फ्लैप नहीं बनाया जाता। तो फ्लैप ना बनाने की वजह से इस ऑपरेशन की सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो गई है और ऑपरेशन के बाद भी हमें जो फ्लैप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी पुरानी टेक्नोलॉजी में, वो इस टेक्नोलॉजी में नहीं मिलती। तो हम कहते हैं सिल्क लेज़र में आज ऑपरेशन कराया, कल से आप अपने सारे काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आँख में फ्लैप नहीं बना तो हमारी आंखों में किसी भी तरह का रिस्क नहीं रहता। साथ ही साथ जो पुरानी टेक्नोलॉजीज लेसिक जो कॉन्ट्यूरा थी, इन पुरानी टेक्नोलॉजीज में एक मेजर साइड इफेक्ट बनता था कि करीब 3 से 4 महीने आंखों में ड्राइनेस या सूखापन रहता था। अब सिल्क टेक्नोलॉजी में क्योंकि फ्लैप नहीं बनाया जाता, एक स्पेशल तरह का लेंटिक्यूल बनाया जाता है जिससे चश्मे की पावर हटाई जाती है, तो सिल्क में ड्राइनेस जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजीज के मुकाबले काफ़ी कम आती है। तो इन दो एडवांटेजेस, जो मेन दो एडवांटेजेस है सिल्क के, वो ये है कि फ्लैपलेस प्रोसीजर है, 24 घंटे में आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं और आंखों में ड्राइनेस कम आती है तो आपकी रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट होती है। साथ ही साथ सिल्क का एक और बड़ा मेजर एडवांटेज है कि सिल्क ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की नज़र आती है वो सुपर विजन आती है, 6/5 विजन आती है। तो एक नॉर्मल इंसान 6/6 देख सकता है, उसकी नज़र 6/6 होती है, लेकिन सिल्क लेज़र के बाद 6/6 से भी बेटर 6/5 सुपर विजन मिलती है। तो इन सब एडवांटेजेस की वजह से अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स हम लोग मेजॉरिटी पेशेंट्स का सिल्क ऑपरेशन से चश्मा हटाना प्रेफर करते हैं, और अगर सिल्क के लिए पेशेंट एलिजिबल नहीं होता तो बाकी टेक्नोलॉजी जैसे लेसिक हो गया, स्माइल हो गया, कॉन्ट्यूरा हो गया, ICL हो गया, RLE हो गया, एपी कॉन्ट्यूरा हो गया, PRK हो गया, तो बाकी टेक्नोलॉजी से हम चश्मा हटाया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस हमारी आज की डेट में सिल्क हो गई है क्योंकि इसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, रिकवरी भी बहुत अच्छी है।